चलो आज जेटा आज जो सीखेंगे वो है डिस्प्ले नेटवर्किंग में, मतलब डिस्प्ले नेटवर्क में कैसे आपका एक एड आप क्रिएट कर सकते हो और कैसे वो एड आप रन कर सकते हो। कोई भी एक कैंपेन बना के कैसे एड रन करोगे वो। अभी है डिस्प्ले नेटवर्क है क्या, कैसे डिस्प्ले कैंपेन है, क्यों करेंगे डिस्प्ले जो कैंपेन। हम लोग यहाँ पे देखते हैं ना कि कैंपेन का डिफरेंट डिफरेंट टाइप था। तो डिस्प्ले नेटवर्क जो है ना, ये डिस्प्ले नेटवर्क है क्या। डिस्प्ले नेटवर्क है गूगल का जो भी नेटवर्किंग वेबसाइट है। गूगल का जैसे नेटवर्किंग कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे कि जीमेल एक प्रॉपर्टी हो गया, उसका यूट्यूब एक प्रॉपर्टी हो गया, ऐसे काफी सारा जीमेल का खुद का प्रॉपर्टी है जो हम लोग यूज करते हैं। तो वहां पे भी आपको दिखाने का, आपको एड दिखाने का मौका मिलेगा। जैसे कि जीमेल जो है उसका जो प्रमोशन जो सेक्शन है ना, प्रमोशन के ऊपर में दो एड आता है, देखा देखा नहीं है। जीमेल के अंदर आता है। करेक्ट, दिस मेल आईडी, कैन यू सी प्रमोशन। दिस प्रमोशंस, कैन सी दिस, दिस ऑल ऑफ दैट्स। सो ये कहाँ से आता है, वो आपका डिस्प्ले नेटवर्क जो कैंपेन आपका लेकिन है हम लोग किए नहीं ना वो सब, क्या आता कैसे हो? वही तो नहीं किया है, वही तो करेंगे अभी। अच्छा, लेकिन दूसरे हम जैसे हम लोग ये वाला एड जो है हम लोग तो अपना यह नहीं है, लेकिन ऑटोमेटिकली क्यों आता है अपने मेल पे? हाँ ये मेल क्यों आता है, क्योंकि ये दो स्लॉट गूगल ने आप ऑलरेडी, बिकॉज जीमेल के लिए आप कुछ पैसा नहीं दे रहे हो, सो इन दैट केसेस गूगल आपका ये दो सेक्शंस वो खुद के लिए लेके रखा है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आएगा, इट्स नॉट अ परमिशन बेस्ड, ये आपके ऊपर डिपेंड नहीं करोगे कि आप ज्यादा से ज्यादा आप यहाँ पे क्लोज कर सकते हो, बट इट विल कम अगेन व्हेन इट विल रिफ्रेश इट। वही सेम चीज दूसरा कुछ आ बॉडवर्क आएगा, जाएगा दूसरा फ्लिपकार्ट प्रमोशन आएगा। अभी एज ए अमेजोन उसका। मार्केटर हम लोग उसको अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेते हैं। ये आपका जीमेल है तो हम लोग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं कि अरे मैं अगर इसको अगर टैप कर सकता तो मेरा जो विजिटर्स है जीमेल का तो वहां पे आपका क्लिक आ सकता है, तो ये टारगेट मैं वहां पे डिस्प्ले नेटवर्क से कर पाऊंगा। क्लियर। नेक्स्ट इज बेसिकली अनदर वन इज लाइक आपका, जैसे कि काफी सारा वेबसाइट है, मेरा वेबसाइट, दूसरा का वेबसाइट, वहां पे ऐड आता है ना, जैसे कि क्विक का नौकरी ऐड आता है ना, तो वो ऐड आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। वहां पे अगर ऐड देना चाहते हो तो कंट्रोल कर सकते हो। यूट्यूब में अगर कुछ ऐड आता है, जो ऐड आता है, तो वो भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। तो डिस्प्ले नेटवर्क इज अ ह्यूज थिंग्स, मीन्स यू कैन कंट्रोल अ मिलियंस ऑफ मिलियंस वेबसाइट में आपको ऐड देने का मौका मिलेगा। ठीक है, चलो नाउ यहाँ पे अगर हम लोग कैंपेन, हम लोग एक डिस्प्ले कैंपेन हम लोग बनाते हैं, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे डिस्प्ले नेटवर्क ऑनली में जाएंगे, डिस्प्ले नेटवर्क। हाँ बोलो, पूछो। नहीं। डिस्प्ले नेटवर्क ऑनली, सो यहाँ पे किया। अभी मेरे को सो मैंने, मेरे को फिर से करना पड़ेगा यहाँ से डिस्प्ले नेटवर्क। नाउ आई एम क्रिएटिंग अ कैंपेन लाइक डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग डिस्प्ले वेस्ट बंगाल, मतलब डिस्प्ले मतलब हम, मेरे को ये सिर्फ समझने एक के लिए कैंपेन का नाम है, ये नाम नाम कुछ भी दे है, सकते इट विल हैं। बी, इट विल, हाँ कुछ भी दे सकते हो जो आपको समझने के लिए। मैं क्यों हाँ दे, मैं ये कैंपेन का नाम ये रखा कि यहाँ पे मैं डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग चलाने वाला हूँ और उसके साथ डिस्प्ले वाला हाँ चलाने रिलेट वाला, टू माय और प्रोजेक्ट मैं वेस्ट कोई भी बंगाल। नाम दे हाँ सकता। तो आपके हिसाब से, यू डोंट हैव टू थिंक एनीथिंग। यहाँ पे दो चीजें हैं, एक है मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव, एक नो मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। आपको जानना है कि मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव कब दो, नो मार्केटिंग कब दो। मार्केटिंग इज बेसिकली जो हम लोग, मान लो कि आपका एकेडमी है, आपका कुछ पर्पस है, आप कुछ प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो, आप कुछ लीड जनरेट करना चाहते हो, तब वो मार्केटिंग ऑडियंस है। अगर आपका कुछ वैसा कुछ नहीं है, जैसे आपको एक फिल्म प्रमोशंस मिला, मान लो कि शाहरुख खान का नया जो मूवी आ रहा है, क्या आ रहा है, ये रात है जो ये वाला,
राधा गाना है। मान लो ट्यूबलाइट वाला सलमान खान का आया, अभी ट्यूबलाइट का प्रमोशन आपको मिला था, तो आप जब वहां पे टिकट तो बुकिंग नहीं है, बट ट्यूबलाइट का अवेयरनेस क्रिएट करना आपका जिम्मेदारी है। ऐसे बड़ा बड़ा जो कंपनी है, जैसे कि आप जो इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स का बारे में बात कर लो, फिलिप्स मान लो, एलजी मान लो, कुछ प्रोडक्ट आ रहा है जो लोगों को जानने के लिए कि ये टेक्नोलॉजी लॉन्च हुआ है, ये हुआ है, तो दैट इज बेसिकली ऑल्सो एक पार्ट होता है बिजनेस का, मार्केटिंग का पार्ट होता है। तब आपका नो मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव आप वहां पे रखना। जैसे प्रोडक्ट हुआ तो मार्केटिंग देंगे, अगर प्रोडक्ट का सेल अगर रिक्वायर्ड है तब आपका मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव, अगर ब्रांडिंग रिक्वायर्ड है तब नो मार्केटिंग, ब्रांडिंग या प्रमोशन रहेगा तो मार्केटिंग नहीं। नाउ यहाँ पे और तीन सेगमेंट में वो भाग डिवाइड कर दे, एक है बिल्ड अवेयरनेस जो आपको सिनेमा वाला, वो यहाँ से होगा। अगर यू वांट टू एंगेज विद योर कंटेंट, अगर आपके वेबसाइट में विजिट चाहते हो तो आपका ये दो में एक लोगे। अगर आपको कन्वर्शन चाहिए, कुछ लीड्स चाहिए, कुछ परचेस है, ई कॉमर्स वेबसाइट है, आप यहाँ से कोई भी एक चूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड। ठीक है, सो मैं फिलहाल के लिए मेरा विजिट योर वेबसाइट मेरा टारगेट रहेगा, कि मैं चाहता हूँ कि वो भी, हाँ एग्जैक्टली मेरा टारगेट रहेगा कि जो भी मैं ऐड दे रहा हूँ, मेरा इरादा है उसी ऐड को क्लिक करके वो मेरे साइट पर आ जाए। ठीक है, सो नाउ लोकेशन, लोकेशन में आई एम चूजिंग इट ओनली द वेस्ट बंगाल। इंडिया भी तो अच्छा रहेगा, इंडिया इज अ मच एरिया, मतलब इज अ बिगर एरिया, सो आई एम ओनली लुकिंग फॉर द कि मेरे इंडिया, इंडिया ज़्यादा नहीं फोकस करो, वेस्ट बंगाल से ज़्यादा बंदा यहाँ पे, क्योंकि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा क्लासरूम में भी ज़्यादा स्टूडेंट है, सो मैं वेस्ट बंगाल में टारगेट कर रहा हूँ। एंड आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉर द असम, बिकॉज असम में पीपल्स वी आर मेकिंग द असम में एक ब्रांच हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो असम वी आर टारगेटिंग दिस टू। ओके, नाउ व्हाट वी कैन डू, इनिशियली मैं असम को हटा दे रहा हूँ, वेस्ट बंगाल से रख रहा हूँ। नेक्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश, सो यहाँ पे ऑल लैंग्वेज कर दो, ये सेफ साइट रहेगा। उसके बाद आपका यहाँ पे एक कैन यू सी दिस मैनुअल सीपीसी एनेबल्ड एनहेंस सीपीसी, यहाँ पे आप इसको मैनुअल में ये एनेबल जो सीपीसी है ये थोड़ा हटा दो। ठीक है, और यहाँ पे बजट जो है, बजट पर डे, ये बजट आपको कितना रखना है वो आपके ऊपर है। मान लो कि मैं 100 रख रहा हूँ, यू कैन मेक इट पर डे सेम ऑलमोस्ट पर डे का, जैसे कि कोई विजिट कर रहा है तो 100 रुपए कटेगा, फिर 100 रुपए नहीं नहीं, एक विजिट का नहीं है ये, आपको पर डे का वो चार्जेस है। अभी 100 विजिट में $100 जा सकता है, 10 विजिट में $100 जा सकता है, डिपेंड्स ऑन योर प्रोडक्ट्स, डिपेंड्स ऑन बिडिंग अमाउंट गोइंग ऑन, सेव एंड कंटिन्यू। यहाँ पे सर्च कम लगता है, सर्च में पैसा ज्यादा लगता है। किसमें? सर्च नेटवर्क। अच्छा, सर्च स्टार्टिंग। तो यहाँ पे मैंने डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग दे दिया। ठीक है, सो अभी ये ग्रुप जो है, मैंने ये सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक, कॉस्ट पर क्लिक, हाँ, तो मैंने यहाँ पे ₹2 दिया है कि मेरा पर क्लिक वहाँ वहाँ क्या लिखा था सर, वहाँ पे भी सीपीसी था, बजट में क्या लिखा था, पहला बजट, बजट एक है कैंपेन बजट, अभी कैंपेन को नैरो डाउन कर दो। कैंपेन के अंडर में मल्टीपल एड ग्रुप रहेगा, तो एक एड ग्रुप में आपको कंट्रोल है वहाँ पे सीपीसी बिट, तो यहाँ पे मैंने कंट्रोल किया ₹2, तो ₹2 मैं मैक्सिमम देने के लिए मैं तैयार हूँ, तो मेरा 50 क्लिक्स मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ मिनिमम। उसके बाद मेरे को यहाँ पे लैंडिंग पेज देना पड़ेगा, सो आई एम एंटरिंग इन टू माई लैंडिंग पेज, कॉम्पीट इन्फोटेक अकाडेमी। दिस इज डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, राइट, ना इसको कॉपी किया, कॉपी करके मैंने यहाँ पे डाल दिया। सो अगेन उसी के तरह वो कीवर्ड ऑटोमेटिक वो ये करके यहाँ पे ले लेगा, सिस्टम सेम है बट थोड़ा यहाँ पे डिफरेंट होता है। डिस्प्ले कीवर्ड, अगर यहाँ पे टारगेट जो है, अगर कीवर्ड बेस्ड टारगेट करना चाहते हो तो ये आप लो, अगर इंटरेस्ट एंड रिमार्केटिंग रिलेटेड करना चाहते हो तब ये यूज डिफरेंट में टारगेट मेथड प्लेसमेंट वाइज। सो मैं अगर यहाँ पे यूज डिफरेंट है तो यहाँ पे काफ़ी सारा ऑप्शंस है, जैसे कि टॉपिक्स है, जैसे कि प्लेसमेंट है, जैसे कि डेमोग्राफिक्स है। अभी प्लेसमेंट में आप क्या कर सकते हो, आपको जो साइट है वहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो, प्लेसमेंट वाला मैं दिखा देता हूँ, अदरवाइज बाकी इजी है। जैसे कि इंटरेस्ट रिमार्केटिंग दूंगा ना, तो
अब यहाँ पे देखो कोई भी अगर बंदा एडुकेशन रिलेटेड, इफ यू आर लुकिंग फॉर द एडवर्टाइज एंड मार्केटिंग सर्विसेज, तो आप यहाँ पे वो दे सकते हो, मेरा एडुकेशन है तो एडुकेशन में मैं दे सकता हूँ, ठीक है। ऐसा करके आप ग्रुपिंग कर सकते हो, कितना ग्रुप करना है, कितना अलग होता है, जो आपका मर्जी, मतलब जितना आपका ये है, जैसे कि एडुकेशन है, मैंने एडुकेशन जो मदर है उसको यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। अभी हाँ अभी यहाँ पे ऑल अगर करते हैं तो यहाँ पे सारा कैटेगरी, यानी सीधी सारा कैटेगरी आ रहा है, तो अभी रजिस्टर्ड वगैरह है, फाइनेंशियल, अभी जैसे कि एम्प्लॉयमेंट है ये भी यहाँ पे फिट करेगा, अगर एम्प्लॉयमेंट जॉब में उनको ढूंढ रहा है तो, एंड अगर वो देख रहा है कि भाई यहाँ पे आपका जॉब से अपॉर्चुनिटी है, सो दे माइट क्लिक ऑन दैट, ठीक है। सो दैट इज पर्टिकुलर्स वी आर टारगेटिंग दिस टू, सो ये दोनों टारगेट किया, एंड इन दैट केसेस मैं सेव एंड कंटिन्यू कर रहा हूँ। उसके बाद मेरे को ऐड बनाना है, ऐड का फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है, सो जस्ट वी हैव टू इंश्योर दैट कि जो भी उनको डिटेल्स है वो डिटेल्स फुलफिल करना है, तो एक ऐड बराबर बन जाएगा। तो यहाँ पे ऐड जो है, यहाँ पे मैंने ऐड दे रहा हूँ, लाइक ओनली 5 में फ्यू सीट्स लेफ्ट से निकले, नंबरिंग देने से क्यों दिया, फ्यू दे सकता था, नंबरिंग जब दोगे वो क्लोज नोड होता है, दिस इज द साइकोलॉजी, 99 रहेगा परचेज, एग्जैक्टली मींस इज बेसिकली द काइंड ऑफ run from home, ये लॉन्ग हेडलाइन वाला जो है ये कहाँ पे दिख रहा है, वो खंडा नीचे आज भी देखते हैं, तो अच्छा ये खंडा, ओह अच्छा अच्छा डिस्क्रिप्शन वहाँ पे आ रहा है, এটা কাজ করতে পারে, এটাকে ডেসক্রিপশনটা আমার অনেকটা টার্গেটেড আছে, এটাকে করে এখানটা দিয়ে দিই, লং হেডলাইনের এখানে করে দিয়ে আছে, মার্কেটিং আমার এমপ্লয় 90 ওয়ার্ডস মাস্টার ইন ডিজিটাল মার্কেটিং, ये आपका एसएमओ इज अ सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, वो हम लोग नहीं पढ़ेगा, हाँ पढ़ेंगे, हमारे तो एसईओ भी कुछ ठीक है, डन। अब बिजनेस नेम यहाँ पे दे दिया, कॉम्पीट इन्फोटेक एकेडमी,
come up into the images sections. So there is the images sections. They will pick from the website. So some website you can like you can type. You can go ahead for the this is the maybe images. You can target as a image, and abhi aap isko crop bhi kar sakte. चलेगा ऐसा नहीं कि आपको ये है मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे और एक चीज कर सकता था वो जो मैं नहीं किया, वो लान एसईओ और पीपीसी सोशल मीडिया एफिलिएट मार्केटिंग ये नहीं देखे, मैं और एक काम कर सकता हूँ, कॉल डायरेक्ट मेरा 9453 65039 39 to book your seat now. Okay, so ये हम लोग कर सकते हैं, कॉल व्हाट्सएप निकल जाएगा, ठीक है, डन, ये व्हाट्सएप हो जाएगा, व्हाट्सएप होना से हो जाएगा, तो फाइन दे दिया, कूल. It makes sense. Like mobile number is there because if GJ marketing जो है SEO उसको पता है क्या है नहीं है. So that is we are coming up. तो ये मेरा ad देखो automatic बन गया जो आप लोग देखते हो different side में जो ad आता है यहाँ पे छोटा ये करके. तो ये आप already देखते हो and it is coming up exactly. And I may done. So मेरा काम हो गया. Save ads. अभी ये ad done. Is basically put on my. तो मेरा यहाँ पे कैंपेन में कैसे एक सेक्शन है वो ऐड ऑटोमेटिक मेरा यहाँ पे आ जाएगा. आपका थोड़ा और एक हेल्प लाएगा वो पैसा आज भी लाएगा अकाउंट में कैश मिलेगा अभी फिलहाल के लिए 1000 होने से चलेगा 2000 है यहाँ पे ऐड तो वो ऐड आपका अभी रिव्यू में है और रिव्यू जब खत्म होगा देन वी कम अप इनटू दिस. दिस इज द प्रोसीड्योर वे कि कैसे क्या कर सकते हैं कैसे क्या नहीं कर सकते हैं. तो ये हम लोग सीखेंगे एंड वी कैन मेक इट द वीडियोस एंड दीज थिंग्स ऑल्सो यू कैन टारगेट या आपका यूट्यूब और सारा जगह पे ये एलिजिबल है एड दिखाने के लिए. इफ यू वांट टू फोर्स इट यूट्यूब में भी वो एलिजिबल है. मतलब यूट्यूब में सिर्फ वीडियो नहीं ऐड आता है ना, यूट्यूब में यहाँ पे भी आ सकता है. ये जो सेक्शन है साइड में आता है वीडियो के बीच में आता है, ये ऊपर वाला जो ऐड आता है यहाँ पे भी एलिजिबल है. मैं वहाँ पे दिखा पाऊंगा कि आपको अगर प्राइसिंग बढ़ा देते हैं तो यहाँ पे भी मेरा ऐड अभी दिखेगा. वो अलग है, वो अभी दिखाएंगे, वो वीडियो ऐड है, वो अभी नहीं दिखाया, वो दिखाएंगे. सो मैं जो दिखा रहा हूँ यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये एक्चुअली आपका जो ऐड आता है ना कोई भी एक जगह पे यहाँ पे देखना छोटा ऐड आता है, ये इस बारे में नहीं बोल रहा. एक जो आपका मिडल में आता है ना ऐड एक टेक्स्ट वाला यहाँ पे जो आता है जैसे कि यहाँ पे आता है ये जो ऐड है ये ऐड आता है वहाँ से. अभी जो किया है तुम देखे छो टारगेट करना चाहते हो
उसका तरीका क्या है, हम लोग तो कैटेगरी वाइज किया है। अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरे को प्लेसमेंट कंफर्म कर देना है कि मैं सिर्फ सेफ और सेफ इसी साइड पे मैं करना चाहता हूँ, इसी सेक्शन में करना चाहता हूँ, तब आपके यहाँ पे डिस्प्ले नेटवर्क में जाओ ऐड करने के बाद। हाँ एनी टाइम एनी टाइम एनी टाइम यू कैन डू डिस्प्ले नेटवर्क में गया, उसमें प्लेसमेंट में क्लिक करो, आप देखो यहाँ पे कोई प्लेसमेंट यहाँ पे नहीं है क्योंकि हम लोग कुछ प्लेसमेंट हम लोग सिलेक्ट ही नहीं किया, राइट। नाउ यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दो तीन चीज आप कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे साइट कैटेगरी ऑप्शन जो है ना, साइट कैटेगरी ऑप्शन में यहाँ पे कुछ ट्यूनिंग है आपका करना चाहिए, वो आप यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा ये सारा का सारा ऑन रहता है ये ऑफ कर देना है, बिकॉज नहीं तो आपका बहुत पैसा यहाँ से चला जाएगा। वी डोंट वांट टू गो एट फॉर द एनी लाइक सेंचुअल और समथिंग लाइक एनी एड जो आपका ठीक ठाक नहीं है, वहाँ पे मैं नहीं दिखाना चाहता हूँ। वीडियो शेयरिंग पेज दिखा, वीडियो शेयरिंग पेज इट्स वीडियो शेयरिंग पेज है दिखा करो, हां यूट्यूब এটা রাখতে হবে না হলে ইউটিউবে দেখাবো না, ডান ওকে স্যার এক বার ये ट्यूनिंग हो गया आपका, कैंपेन का ट्यूनिंग लेवल हो गया। अभी यहां पे मैं टारगेटिंग में जाके यहाँ पे जो टारगेटिंग है टारगेटिंग में क्लिक किया, अभी आपका यहाँ पे एड ग्रुप सिलेक्ट करो, करने के बाद हाँ तुम्हें बोलो बोलो करार पर यहाँ पे मैंने इंटरेस्ट एंड रिमार्केटिंग किया था, याद है। सो मैं अगर इसको चाहता हूँ कि नहीं इंटरेस्ट एंड रिमार्केटिंग तो है बट उसके साथ ना मैं थोड़ा और ट्यूनिंग करना चाहता हूँ और मतलब उसको रेस्ट्रिक्टेड करना चाहता हूँ, तो वो भी पॉसिबल है। एड टारगेटिंग कर लो, यहाँ पे देखो प्लेसमेंट है, प्लेसमेंट सिलेक्ट करो। अभी यहाँ पे आप जो है आप अगर यूट्यूब रखना चाहते हो तो आप यहाँ पे यूट्यूब सर्च करो, ना यहाँ पे यूट्यूब जैसा बहुत सारा आपको मिलेंगे। कैन यू सी दिस माय डियर, सो आप इसको यहाँ पे रख सकते हो यूट्यूब में आपको दिखाएगा, यस अभी यहाँ पे आपको दिखाएगा। ऐसे बहुत सारा साइट है जहाँ पे आप कंट्रोल कर सकते हो, टॉप 10 के सॉन्ग्स और समथिंग, ऐसे काफ़ी सारा साइट है जहाँ पे कर सकते हो, राइट। सो यहाँ यूट्यूब मैंने कर दिया और मैं चाहता हूँ कि नहीं मेरा जो साइट है वो नौकरी में दिखाना चाहिए, नौकरी फेसबुक वगैरह, फेसबुक अलग है, फेसबुक का ये यूट्यूब का ये गूगल का क्या है, गूगल का नहीं है ना फेसबुक, मान लो naukri.com, इंस्टाग्राम वगैरह वो भी नहीं, इंस्टाग्राम तो नो इसका प्रोडक्ट है, फेसबुक का प्रोडक्ट है। यहाँ पे गया नौकरी में मैंने दे दिया, अभी फ्रेशर लाइफ में दे दिया, करियर में दे दिया, उसके बाद गवर्नमेंट जॉब फॉर फ्रेशर्स इसमें दे सकते हैं, तो ऐसे काफ़ी सारा साइट है जो आपका यहाँ पे मैं दे सकता हूँ। See this? Fresh job. फिर वो तो साइड में चला जाता है। साइड में नहीं है, मतलब यहाँ पे दिखा रहा, मतलब जो सिलेक्ट कर रहा वहाँ पे आ रहा है। अच्छा ऊपर जो है naukri.com सर्च किया वो ऊपर यहाँ पे नहीं आएगा ऐड, ओके यहाँ, अच्छा वो इधर ही चला, ये अभी सिलेक्ट कर रहा उसी साइड में ऐड आने के लिए, जहाँ जहाँ मैं ये वाला हाँ ये साइड में ऐड आएगा, मतलब हम लोग अभी सिलेक्शन कर रहे हैं। अभी मान लो कि यहाँ पे यू कैन गो अहेड फॉर द लाइक माय नौकरी क्या नहीं, अभी यहाँ पे हम लोग क्या है मान लो कि न्यूज़ साइट, न्यूज़ साइट में कलकत्ता में अगर है तो आनंद बाज़ार ज़्यादा आता है, तो इफ यू वांट टू टारगेट आनंद बाज़ार, हाँ जो आनंद बाज़ार पत्रिका आता है ना, अगर मैं यहाँ बेला वर्तमान पत्रिका, हाँ तो सिर्फ ये वाला में ही आएगा, ये वाला आप किसी में नहीं आएगा, ये वाला वो भी विद इन वेस्ट बंगाल, हाँ विद इन वेस्ट बंगाल,
यही चाहिए था। ठीक है, तो दिस इज साइज सर आंध्र बाजार न्यूज़पेपर है। हाँ, न्यूज़पेपर साइट है, न्यूज़पेपर साइट है, हाँ वेबसाइट है। यहाँ पे कर दिया, तो ऐसे आपका अगर मान लो कि लेकिन पैसा देना नहीं पड़ेगा आंध्र बाजार को, जब वहाँ पे हम लोग उसके साइट पे अगर ऐड करेंगे तो उसको पैसा नहीं देना लगेगा? नहीं, ऐसे कुछ नहीं ना, उसको डेफिनेटली देना पड़ेगा। तब वो तो हम लोग पे आंध्र बाजार को डायरेक्ट नहीं देंगे, हम लोग पे करेंगे यहाँ पे, गूगल यहाँ पे करेंगे, मतलब गूगल में पे करेंगे। हाँ, वो गूगल आंध्र बाजार को पे करेंगे। हाँ, इंडायरेक्टली वो पैसा लेता है। यहाँ पे पार्टिकुलर्स में इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, इस वेबसाइट मिल जाता है, उसी वेबसाइट पे ये टारगेटिंग हो जाएगा। तो ऐसे काफी सारा है जो हम लोग कर सकते हैं, जो कैन मेक इट। हिंदुस्तान टाइम्स दे दिया, और क्या है हिंदुस्तान टाइम्स से, और अच्छा इसमें देखते हैं कर्मो कर्मो क्षेत्रों ना किया था क्या, कर्मो क्षेत्र यहाँ का न्यूज पेपर है, कर्म क्षेत्र मतलब वो कर्म संस्थान ऐसे कुछ, उसका शायद स्पेलिंग कुछ अलग है। पॉपुलर नहीं होगा ये कर्म क्षेत्र। हाँ, ये ई कर्म क्षेत्र, ई कर्म क्षेत्र, जैसे कि जाबोंग का आ रहा है। हाँ, अरे वो वाला पिछला वाला कहीं आया था। আচ্ছা এটা কোথা থেকে গিয়ে করলাম এটা একবার তো দেখে নিলাম তো। আমি ডাইরেক্ট একদম ডোমেইন দিয়েও অ্যাড করে দিতে পারি, যদি অ্যাভেলেবল থাকে এখানে দেখা, क्योंकि सब डोमेन आपका एडसेंस के साथ शायद अलॉटेड नहीं है, कनेक्टेड नहीं है, नहीं है काम। हाँ, तो आपका यहाँ पे देखा, देखते हैं प्रथम आलो आंध्र बाजार ई पेपर। शायद ये नहीं है, एनीवे नहीं है ये, तो ये नहीं मिल रहा है मेरे को। ओके, डन। अगर मेरे को, मैं कॉन्फिडेंट रहता हूँ कि ओके फाइन ये है वो है, सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन ऐड दोस। अगर मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि शायद मैं, हाँ
है मतलब आप देना चाहते हो, तो इन दैट केसेस यू कैन डू एज अ मल्टीपल प्लेसमेंट, आप यहाँ पे दे सकते हो, वो भी पॉसिबल है। अच्छा, मतलब कि वो साइट है वहाँ पर नहीं दिख रहा है तो हम उसका यूआरएल लेके यहाँ पर पुट कर सकते हैं। आ गया, ठीक है। एंड टारगेट एंड बीड, बस आप यहाँ पे सेव कर दो, डन, कूल। सो ये आप कर सकते हो, एंड दिस इज द बेसिकली वो आपका आ गया एंड ये ऑटोमेटिक चलेगा, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली द कहां से करें, ये एक बार ये आपका समरी, हां वहां से प्लेसमेंट, हां समरी दिए तुम चमक चमक बुझे नहीं পারবে যে তোমার এখানে আছে কি নেই। নেক্সট তুমি এখানে টার্গেটিং এ চলে যাবে, টার্গেটিং গিয়ে দেন ইউ হ্যাভ টু সার্চ ইওর অ্যাড গ্রুপ, ঠিক আছে। देन आपका ये आएगा, देन आप यहाँ से एडिट कर सकते हो, ठीक है, इफ यू वांट टू एडिट एनीथिंग। देन पहले ऐड को ढूंढना पड़ेगा, उसको सिलेक्ट करने के बाद ये शो करेगा, वहां से डन। सो ये कैंपेन हो गया, आज चलना चाहते हो ये रुकना चाहते हो, अगर रुकोगे ऐड मतलब एक और दिखा के पीपीसी खत्म करेंगे, और एक ही है आपके पास, वो है वीडियो वाला, क्योंकि शॉपिंग और एप्स नहीं है तो ये दिखा नहीं सकते, मतलब शॉपिंग एंड ऑल वीडियो सबको दिखा सकते हैं। शॉपिंग अगर मेरा ई-कॉमर्स का साइट हो, ई-कॉमर्स कितना टाइम हो जाएगा, 10 मिनट। चलो वीडियो ऐड कैसे देते हैं वो दिखा देते हैं, जो वीडियो के ऊपर जो ऐड आता है ना, तो मान लो कि आपने जो कंपनी में किया है वो पर्टिकुलर सा एक ऐड रन हो रहा है, सो डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंडिंग दो टाइप ऑफ होता है, एक इंस्टिम वीडियो होता है, इंस्टिम मतलब है कि एड जो वीडियो चल रहा है उसके मिडल में जो है और साइड बार में है वो इंस्टिम एंड वीडियो डिस्कवरी, और बम्पर एड्स होता है जो आपका स्किप एड आता है ना, जो नॉन स्किपेबल एंड स्किप एड, वो जो एड आता है वो बम्पर एड में आता है, क्लियर। सो बम्पर एड यूजुअली ज्यादा प्राइस लगता है मतलब देने के लिए, लोग तो स्किप कर देते हैं, क्यों स्किप करते, बेकार कहाँ यार, मतलब मार्केटिंग का आप लोग पढ़ रहे हो क्या, बार बार आप हेमरिंग कर रहे हो ना उसके दिमाग में, जे डिजिटल विद्या कैसे उठा, अभी डिजिटल विद्या टॉप बन गया, घंटा का वहाँ का जो कोर्स मॉड्यूल्स है हम लोगों का हाफ नहीं है। The thing is basically is all of the slideshow बेच के 60,000 खा रहा है। The point is basically वो आपके हिमार में वो डाल दिया कि this is the best, this is the best। और हर time अगर मैं बोलूँगा academy company infotech academy best 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 best, तो आपके हिमार में हो रहेगा कि आप किसी ने अगर digital marketing training के बारे में बोले हाँ देखो वो digital विद्या का एक बार देख लो, because you are only getting one inputs, you're not getting the second peoples in the things। तो उनका बहुत सारा वो डिजिटल में वो वीडियोस मार्केटिंग उन्होंने काफी सारा किया है, एंड दैट इज द ब्रांडिंग। सो वो आपका होता है, वो जो आप बोलो कि स्किप ऐड कर देता है, स्किप ऐड कर देता है, बट वो जो मैसेज तो आपको जा रहा है उसके दिमाग में। टीवी में ऐड तो आप रिमोट देके चेंज कर दे, क्यों टीवी में ऐड दे रहा है, नॉन स्किपेबल ऐड दिया, सम पीपल्स आर बेसिकली सीइंग, सम पीपल्स आर लिसनिंग, वही तो आपका मजा है कि जो वीडियो बनाओगे वो छोड़ेगा नहीं है, इसलिए देखना कि जब ICICI का ऐड आता है, ICICI का जो बैनर ऐड आता है देखा ना, सारा ऐड आप ऐसे स्किप करोगे नहीं, ऐसा ही ऐड है जो दो मिनट में आपका मन नहीं करे, वही तो आपका एक ऐड एजेंसी एक एक ऐड बनाने के लिए कॉन्सेप्ट बनाने के लिए लाखों कमा लेता है, कॉन्सेप्ट्स के लिए वो ऐड आप छोड़ोगे आप जाओगे नहीं, उसको पूरा देख के आपको लगा हाँ ठीक है, ऐड मेकिंग इंडस्ट्री है अलग, अलग ऐड एजेंसी काम करता है, वो लाखों करोड़ों में कमाता है वो आइडिया के लिए। सो वो आपका डिपार्टमेंट नहीं है, एज अ मार्केटर आपका डिपार्टमेंट आपके वीडियो है उसको प्रमोट करना है, वो आपका डिपार्टमेंट है, ठीक है, बिकॉज बंदा स्किप करके जाएगा नहीं जाएगा आपके ऊपर हाथ में नहीं है, यू कांट कंट्रोल एनीवन साइकोलॉजी, राइट, आपके हाथ में रिमोट है, अभी वो सारेगामापा देखेगा, ये डांस इंडिया देखेगा, या भाभी जी घर पे है देखेगा, इसके ऊपर कोई कंट्रोल है, आपका क्या कंट्रोल है, आपका कंट्रोल है जो सीरियल आप चला रहे हो ऐसे अच्छा करो कि लोग ना जाए, दो मिनट में हम लोग लौट के आ रहे हैं, जाएगा कहाँ कहीं पे मात,
कहीं पे मत जाएगा, अमिताभ बच्चन को भी रिक्वेस्ट करना पड़ता है, दैट इज द थिंग. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे मैनुअल एंड मैक्सिमम सीपीपी. सो आई एम प्यूटिंग इट बेसिकली मे बी द 100 rupees फॉर दैट. एंड यहाँ पे मैक्सिम ये ही आपको बाय डिफॉल्ट मिलेगा, वहाँ पे कोई कंट्रोल आपको नहीं है. एंड यू कैन सी यूट्यूब सर्च यूट्यूब वीडियोस वीडियो पार्टनर्स ऑफ द डिस्प्ले नेटवर्क. वीडियो पार्टनर्स क्या होंगे, जो भी कोई भी वीडियो एड लेके जो कोड लेके साइड में डालता है ना, एम्बेडेड कोड वहाँ पे, और डिस्प्ले नेटवर्क में भी वो एड आता है, मतलब जो एड वाला जो सेक्शन है वहाँ पे अगर दिखाना चाहते हो तो इस फाइन ये यहाँ पे आएगा. अगर आप चाहते हो कि नहीं सेव यूट्यूब और यूट्यूब सर्च में देगा तो इसको स्किप करना है. डन. सो मान लो कि फॉर द टाइमिंग आई वांट टू मार्केट एंड ऑल, सो आई वांट टू मेक इट ओनली द यूट्यूब. अभी यहाँ पे आ गया ऑल कंट्रीज एंड टेरिटोरीज. अभी यहाँ पे मेरे को लेट मी चूज इज अ वेस्ट बंगाल. দিদি গরম হয়ে গেছে কি নাকি রাজ্যপাল কি সব বলেছে নাকি নাম শুনি দিদির কথা মনে করে তো এখানটা গেল. নেক্সট ইজ ইউর জব ইজ সেভ এন্ড কন্টিনিউ. আপনি সেভ এন্ড কন্টিনিউ মে অগেন আপনি ক্যাম্পেইন রেডি কে আপনি অ্যাড গ্রুপ রেডি করনা পড়েগা. আপনি দেখো মেরে কো জো ভিডিওস মে চালানা চাহতো দ্যাট উড বি ইন ইউটিউব. मतलब कि हम लोग ये पूरा वीडियो ऐड बना रहे हैं, जरा ही अब तक हम लोग देख रहे थे अब ये वीडियो की तरह शो कर रहे हैं एकदम ठीक है. जैसे कि ये ऐड आ रहा है कॉपी को लो, ये मेरा ऐड है इसको कॉपी किया. अब मेरे को यहाँ पे जाना है, देन आई हैव पुट इट यूआरएल ओवर हियर. ठीक है, यहाँ पे बेंगोली स्टूडेंट टारगेटेड. ठीक है, क्योंकि ये बेंगोली में हम लोग ये किया था. हाँ, बेंगोली में है. नाउ व्हाट आई कैन डू नाउ, यहाँ पे कैन यू सी दिस इंस्ट्रीम एंड वीडियो. सो मैं इंस्ट्रीम रखता हूँ, वो जो ऊपर वाला जो स्की वाला ऐड आता है वो. ठीक है, और ये बीच वाला जो है वीडियो वो साइड बार में आएगा, यहाँ पे आएगा. नाउ यहाँ पे आपको डिस्प्ले यूआरएल क्या दिखाना है वो दिखा, फाइनल यूआरएल क्या है वहाँ पे. तो फाइनल यूआरएल में टारगेट है इसी यूआरएल में डालना है, इसी यूआरएल डालेंगे तो मैं यहाँ पे मेरा फाइनल यूआरएल वो होगा. ठीक है, तो यहाँ पे इफ़ यू वांट टू टारगेट www. ये आपका हो गया, इस पर हो गया. देन आपका ये ऑटो जनरेटेड है, जो आपका टेम्पलेट है ऑलरेडी वो यहाँ पे दिखा रहा है. इफ़ यू वांट टू चेंज एनीथिंग यू कैन चेंज, नो प्रॉब्लम एट ऑल. ठीक है, इफ यू वांट टू चेंज एनी इमेजेस यू वो हमें साइड है कोई साइड है कि तो हम साइड ऑटोमेटिक वीडियो टच करूंगा ना, साइड अपनी वीडियो टच स्टिल हो जाता है, स्टिल होता है साइड है, शुद्ध ऐड आ से देखो मैं ऑन अ वीडियो से ऐड ना ये चला. हम यदि साइड को पर्टिकुलरली साइड टाके टारगेट करी जे ধরুন আমি ভিডিও ডকনে চালাবো আমি জাস্ট আমি সাইডে টার্গেট করছি আর এই বাম্পারটা করছি তোরা যে বাম্পারটা দুটো আলাদা ক্যাম্পেইন চালাতে হবে, দুটো একসাথে রান আলাদা ক্যাম্পেইন, একটা বাম্পারের জন্য একটা এটার জন্য. ডান, এই অ্যাড নেম ভিডিও অ্যাড ওয়ান কর সকতো. আবি ম্যাক্সিমাম সিপিপি আপ কিতনা দেনা চাহতো, ফর এক্সাম্পল আই এম লুকিং ফর দা মেবি দা 1 রুপিস অর মেবি দা আই উইল মেক ইট 50 রুপিস 50 সরি 50 পয়সা মানে অ্যাড টিকে কত দেব ভিজিবিলিটি এন্ড পপুলার ভিডিওস মে জেসে কি ইয়াহা পে পপুলার ভিডিওস অ্যাডজাস্টমেন্ট হ্যায়. जो वीडियोस एखाने एकटा मजार इनपुट्स आमी छेलेदेरके बोली देखानोर जोन्नो, जो भी पार्टिकुलर्स गूगल एडसेंस में कमाता है ना तो चले आसो, हो गया ओदेर पीपीसी लगा दिया चले आसो. सो थोड़ा इधर आ जाओ ना, जहाँ पे आपका पार्टिकुलर्स ये है लाइक जो भी पॉपुलर वीडियोस होता है मतलब YouTube में जो कमाता है वो पर्टिकुलर्स मान लो कि एक बंदा का 10,000 व्यूज है, मतलब
जनवरी मंथ में उन्होंने 10,000 व्यूज मिला है उसका वीडियो, जस्ट लॉन्च किया है उसका वीडियोस का व्यूज आया 10,000, उसमें मान लो कि $10 उनका कमाई हुआ है, ठीक है। और उनका दिसंबर महीने में, दिसंबर 1 तारीख से 30 तारीख को उनका जो टोटल ट्रैफिक है वो भी 10,000, बट वो 10,000 है 210,000, मतलब नवंबर 30 नवंबर को उसका 2,00,000 व्यूअर्स था और दिसंबर 30 को उसका 210,000 हुआ, तो उस महीने में भी 10,000 हुआ और जनवरी मंथ में भी 10,000 हुआ। ये दोनों का अर्निंग अलग होगा, दिसंबर वाला जो 10,000 है वो डेफिनेटली $10 से ज्यादा होगा, না পেমেন্ট আউট হয় ওটার জন্য না, এটা হচ্ছে যখনই তোমার ইউ আর গোইং ফর দ্য পপুলারিটি সো ইওর আর্নিং ইনক্রিজ, ও ইহা সে হতা হয় কিউকি জো অ্যাডভারটাইজার হ্যায় জিতনা পপুলার ভিডিও হ্যায় ওয়াহাঁ পে জিয়াদা পয়সা দেনে কে লিয়ে তৈয়ার রাতা হ্যায়, সো আই এম পুটিং ইজ কি জো পপুলার ভিডিওস হ্যায় ওয়াহাঁ পে 10% ইনক্রিজ কর দো, পপুলার ভিডিও কে সামনে শো করে ইসকে লিয়ে, করেক্ট। तो मैंने उसको 10% क्या है, अगर मैं एक 50% का 50 पैसा का 10% इंक्रीज करेगा 55 पैसा होगा। यहाँ पे यू कैन कंट्रोल द योर दैट वंस लाइक एनी जेंडर एनी एज, यहाँ पे आप टारगेटेड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल 65 इयर्स को मेरे को नहीं दिखाना है, 55 60 45 नहीं दिखाना। लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये जो देख रहा है 65 का? ईमेल में आप डेट ऑफ बर्थ नहीं देते हो, ठीक है। पेरेंट, पेरेंटल स्टेटस, पेरेंट नॉट एन पेरेंट, तो पेरेंट को दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते, ठीक है। चलो यहाँ पे थोड़ा, क्योंकि मेरा 65 इयर्स का स्टूडेंट भी है, सो इसे देखा जाए तो सो अभी इसको एफिनिटी ऑडियंस, यहाँ जो जो टारगेट है ना, तो इन मार्केट ऑडियंस यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एडुकेशन, तो एडुकेशन एम्प्लॉयमेंट जो ढूंढ रहा है, मतलब जो यूजुअल नेचर्स देख रहा है, तो उनको हम लोग टारगेट करना चाहते हैं, दूसरा को मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ। सो दैट इज वी कैन डू एंड डन, ठीक है। जो एम्प्लॉयमेंट एंड एडुकेशन ढूंढ रहा है, दैट इज बेसिकली वी आर टारगेटिंग एंड वी सेव एंड ग्रो। सो दिस इज बेसिकली माय जॉब इज डन, मेरा वीडियोस कैंपेन चल रहा है एंड इट्स डन, इट्स ऑलमोस्ट फिनिश्ड, इट्स फिनिश्ड, कूल। सो वीडियो ऐड आ जाएगा विद अप्रूवल, अगेन अगर आप अकाउंट में जा रहे हो and you are going for the videos, you can see that it's under the review, thoda 1 ghante ke andar wo aapka 1 ghante ke andar hi tak sir, wo paisa ka payment karna hoga, agar paisa to bhai mera card abhi kaam nahi kar raha, to ye billing and payments mein ja ke paisa payment karna padega, aur ye wala trick hi acha tha ki hum kuch bhar ke rakh diye, wohi otai to kori hum log otai bhalo upfront ta payment ta kore dao, jemon othe ekhon payment othe net banking ache, net banking ota kore dite parbo, বললে আমি ওকে ক্যাশে দিয়ে দেবো, তো টাকা আমি ওখানে ভর্তি করে রাখলাম, শেষ হয়ে গেলো, শেষ হয়ে গেলো, অ্যাড বন্ধ হয়ে গেলো, থ্যাংক ইউ। यहां पे मेक पेमेंट में जाते हैं, ऐसे करके यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन रहता है, नेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग आप कर सकते हो। मेरा कार्ड जो रहा है, कार्ड का नहीं हो रहा, नेट बैंकिंग करना है, डेबिट कार्ड था ना, तो नहीं हो रहा। मेरा आई पहले वाला तो पूरा बिंदास चल रहा था ना, वो ही तो पूरा पेज कट जैसा नहीं है, अमर फिर से करना पड़ेगा मेरे को, सिर्फ ये केस थोड़ा अभी नया अकाउंट भी कर नहीं पा रहा है जब तक उसका फैसला नहीं होगा, दैट इज 90 डेज का ये है, तो मेरे को जाना पड़ेगा, फिर 90 डेज का भी होगा, लेकिन लेके गुड लेके जाएगा, वो जल्दी हो जाएगा सर, वो वहां पे जाके वो उल्टा सीधा बोल देगा, तो एनीवे, सो यहां पे पेमेंट करना पड़ेगा, राइट। सो आई एम मेकिंग क्लोजिंग इट द वीडियो, अगर